चंद्रयान का अब फाइनल इम्तिहान। चंद्रयान 3 की सफलता के लिए हर कोई दुआएं कर रहा है। 23 अगस्त को ये चांद पर लैंड करेगा और उससे पहले इसरो ने पूरी तैयारी कर ली है। 17 अगस्त से चंद्रयान 3 लैंडिंग से जुड़ी अपनी अंतिम प्रक्रिया को पूरा कर लिया है और इसके साथ ही अब हर पल जरूरी होता जा रहा है। इसरो के पूर्व चेयरमैन के सिवन ने इसी बीच एक ऐसा बयान दिया है जो हर देशवासी का भरोसा बढ़ाएगा। के सिवन ने कहा है कि वो पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि चंद्रयान 3 बिल्कुल सफल होगा। चंद्रयान 2 मिशन की अगुवाई करने वाले के सिवन ने कहा है कि 23 अगस्त की तारीख ऐसी है जिसका हम बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। चंद्रयान 2 ने भी अभी तक की सभी प्रक्रियाएं पूरी की थी, बस लैंडिंग के वक्त एक दिक्कत होने की वजह से वो सफल नहीं हो पाया था। उन्होंने कहा कि लैंडिंग को लेकर चिंता तो जरूर होगी, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि ये सफल होगा क्योंकि हमने अपनी पिछली गलतियों से काफी कुछ सीखा है। के सिवन ने समझाया कि हमने इस बार लैंडिंग का मार्जिन बढ़ा दिया है। उन्होंने बताया कि 17 अगस्त को जो प्रक्रिया हुई है वो काफी अहम था। इसमें एक प्रणोदन है और दूसरा लैंडर। अब चांद दूर नहीं, चंद्रयान 3 को मिली बड़ी कामयाबी, लैंडर विक्रम हुआ अलग, आगे का सफर अकेले तय करेगा लैंडर, 6 दिन बाद चांद पर लैंड करेगा विक्रम, चांद पर पहुंचने के बाद लैंडर से निकलेगा प्रज्ञान, प्रोपल्शन मॉड्यूल और लैंडर मॉड्यूल क्या है। चंद्रयान 3 में एक प्रोपल्शन मॉड्यूल है। इसका वजन 2148 किलोग्राम है। इसका मुख्य काम लैंडर को चंद्रमा के करीब ले जाने का है। हालांकि अब ये चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश करने वाला है तो इसे लैंडर से अब अलग कर दिया गया है। वही लैंडर का वजन 1723.79 किलोग्राम है। इसमें एक रोवर शामिल है। रोवर का वजन 26 किलोग्राम है। भारत के तीसरे चंद्र मिशन का मुख्य उद्देश्य लैंडर को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास उतारना है। इससे पहले लैंडर को डिबूस्ट यानी धीमा करने की प्रक्रिया से गुजरने की उम्मीद है ताकि इसे एक ऐसी कक्षा में स्थापित किया जा सके जहां पेरल्यून यानी कि चंद्रमा से निकटतम बिंदु 30 किलोमीटर और अपोल्यून यानी चंद्रमा से सबसे दूर का बिंदु 100 किलोमीटर है। चंद्रयान 2 मिशन में लैंडर पर नियंत्रण खो देने की वजह से उसकी सॉफ्ट लैंडिंग की जगह क्रैश लैंडिंग हो गई थी। इसके बाद लैंडर दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। चांद की सतह पर कब उतरेगा चंद्रयान? इसरो के मुताबिक लैंडर के 23 अगस्त को शाम 5:45 चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने की उम्मीद है। लैंडर चंद्रमा की सतह से लगभग 100 किलोमीटर की ऊंचाई से चंद्रमा पर उतरेगा। सॉफ्ट लैंडिंग एक जटिल यानी कि मुश्किल मुद्दा है। सुरक्षित और बिना रिस्क का क्षेत्र खोजने के लिए लैंडिंग से पहले साइट की इमेजिंग की जाएगी। लैंडिंग के बाद 6 पहियों वाला रोवर बाहर निकलेगा। इस चंद्र दिवस की अवधि के लिए चंद्रमा की सतह पर प्रयोग करेगा। चंद्रमा का एक दिन आपको बता दें कि पृथ्वी के 14 दिनों के बराबर होता है। चंद्रयान 3 को 14 जुलाई को भारत के हैवी लिफ्ट रॉकेट यानी कि LVM3 के जरिए पृथ्वी की कक्षा में स्थापित किया गया था। इसके बाद 1 अगस्त को इसने पृथ्वी की कक्षा को छोड़कर चंद्रमा की ओर बढ़ चला था।